हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज आप लोगों के लिए मैं नई अपडेट लेके आई हुई हूँ, नई नॉलेज के साथ आई हूँ और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उसका एक आंसर सिर्फ आज मैं लेके आई हुई हूँ। ताकि मैंने प्रेगनेंसी की बात कर ली, मैंने ओवुलेशन की बात कर ली, पीरियड्स की बात कर ली, एग ग्रोथ की बात कर ली, है ना। अब हम बात करेंगे आज हैवी फ्लो के बारे में। जिनको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आता है उनको कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी, उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, या कम एज की लड़कियां भी हैं जिनको लो फ्लो होता है, हैवी फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करें। देखिए, होम रेमेडीज बहुत सारी आती है जो कि फ्लो को कंट्रोल कर सकती है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि वो रेमेडीज के साथ साथ हमको मेडिसिन इंटेक भी करना पड़ता है। और आपको पता है कि मेरा फेवरेट जो है चैप्टर है वो है गायनोवेदा। मैं हमेशा गायनोवेदा पर रिसर्च करती रहती हूँ, हर तरह की मेडिसिन जितनी भी है इसकी उसके ऊपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मेरे जितने भी वीडियोज आपको आएंगे हर तरह की जितनी भी गायनोवेदा की मेडिसिन है सब पर मैं ट्रू रिव्यू डालूंगी और इनफेक्ट मैं मेडिसिन भी मंगवाऊंगी। लेकिन क्या है ना कि हर मेडिसिन आप इंटेक नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैं सारे रिव्यूज जा रही हूँ, चेक कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसके बारे में R&D मतलब रिसर्च कर रही हूँ और मैं उसके बाद आपके सामने में लेके आ रही हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। बहुत बार हमको प्रॉब्लम तो पता होता है लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमको मेडिसिन कौन सी लेनी है। जैसे ट्यूब ब्लॉक है, दो ट्यूब ब्लॉक है तो हम क्या मेडिसिन लें? मैम हमको हैवी फ्लो हो रहा है, हम क्या मेडिसिन लें? बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां हैं, आज के डेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हर किसी को है, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे बहुत ज़्यादा एज हो, कम एज हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन आज के डेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि आपको पता है कि खान पान, लाइफ स्टाइल, ये सारी इसकी वजह है, मेन वजह वही है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जिनको हैवी फ्लो आ रहा है या बहुत लो फ्लो आ रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको लो फ्लो या हाई फ्लो की प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी। मैं ये आज जो मेडिसिन आपको बता रही हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जिनको अपना फ्लो कम करना है या फ्लो को कंटिन्यूसली करना, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करना है। तो हम लोग अपने वीडियो को क्या करते हैं। हाँ, तो जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि मैं गायनोवेदा मेडिसिन हमेशा आप लोगों को प्रिस्क्राइब करती हूँ एंड मैंने रिव्यूज भी किया है। आने वाले समय में मैं मायरा वामा का रिव्यू करने वाली हूँ और पिगमेंटेशन के लिए, शुगर की मेडिसिन के लिए हो गया, उसके बाद मोटापे के लिए मैं हर तरह की मेडिसिन का रिव्यू आने वाले वीडियोस में करने वाली हूँ। इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हो सकता है कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके काम के लायक ना हो, लेकिन आपके जान पहचान में, रेफरेंसेस में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में किसी को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। आज बात कर ले अर्ली मंथली साइकिल, जिनको साइकिल जल्दी आ जाता है और बहुत हैवी फ्लो में आता है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। जैसे कि गायनोवेदा के बारे में आप लोगों को पता है कि 100% आयुर्वेद है ये, तो इसमें हार्म नहीं होगा, इस बात की गारंटीड होती है कि इसके आपको नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं हर्ब्स टू स्टॉप हैवी फ्लो। जैसे कि जितने भी हर्ब्स होते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, जैसे कि इसमें बता रही हूँ मैं, अशोका हो गया। अशोका जो होता है वो रिड्यूस प्रोलोंगेट साइकिल करता है, मतलब जो पहले अर्ली साइकिल जो आती है उसको नेचुरल लाता है, टाइम पर लाता है, उसका काम करता है अशोका। शतावरी वो हार्मोन बैलेंस का काम करता है, शतावरी क्या करता है? हार्मोन बैलेंस का काम करता है। हैरिताकी ये फ्लश और टॉक्सिन फ्रॉम यूट्रस, ये हमारे यूट्रस में जो टॉक्सिन्स है उसको रिड्यूस करता है। लोधरा ये कंट्रोल एक्सेसिव फ्लो, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये इन सारी चीज़ों से ये मेडिसिन बना हुआ है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। इसका नाम है वीरा, इस मेडिसिन का नाम है विरहा और ये गायनोवेदा का ही प्रोडक्ट है। और ये आपको अर्ली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो में आ रही है तो इसको ये कंट्रोल में और बैलेंस करेगा। और ये सारी चीज़ें होने का रीज़न हमेशा से क्या होता है? हमारा हार्मोन इनबैलेंस, हमारा हेल्दी डाइट नहीं होना, एक्सरसाइज नहीं होना और जो लाइफ स्टाइल अभी की हमारी चल रही है, टाइम पर नींद नहीं लेना, पूरी नींद नहीं होना, टाइम पर सोना नहीं, रात में जगना, ये सारी कुछ चीज़ों की वजह से स्ट्रेस हो जाना,
किसी बात को लेके स्ट्रेस होना, चिंता में होना, या आप अगर डायबिटिक के पेशेंट हो गए हैं तो भी आपको मेंस्ट्रुअल पर इसका असर पड़ता है। तो मेंस्ट्रुअल के कोई एक रीजन नहीं होते, बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले क्या है इसके बेनिफिट्स, इस विरहा मेडिसिंस के बेनिफिट क्या होंगे इसकी बात करते हैं हम लोग। ये गेट्स हेल्दी साइकिल ऑन टाइम, ये टाइम पर साइकिल लाने का काम करता है। ट्रेड प्रोलंगेट साइकिल, ये टाइम पर साइकिल लाएगा, अर्ली जो साइकिल्स आती है इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस क्लोटिंग, मतलब क्लोटिंग जो है बहुत लोगों को क्या होता है ना कि इतना कम फ्लो आता है कि क्लोट पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी को एक दिन होके बंद हो जाता है, जैसे कि मैं थी उसमें, तो किसी को एक दिन आके बंद हो जाता है या दो दिन आके बंद हो जाता है, तो उसके इसको ये रिड्यूस करेगा। इसके बाद पेन और क्रैम्प, किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प होता है, तो इसको ये ठीक करेगा। एक्स एज नेचुरल यूट्रस डिटॉक्स, ये क्या करेगा, यूट्रस का जो डिटॉक्सिशन है उसको ये नेचुरली करेगा। यस, पीटा इम्बैलेंस, बायो एनर्जी ऑफ पीरियड, बहुत लोगों को क्या होता है ना कि पीरियड्स के टाइम में वो एकदम डल पड़ जाते हैं, मतलब उनके बॉडी में एनर्जी नहीं लगता है, तो ये एनर्जी बॉडी को देने का काम भी करेगा। साथ ही साथ प्यूरिफाई ब्लड और बैलेंस आपका हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। तो ये इतनी सारी चीजें ये वीरा मेडिसिंस में आपको बेनिफिट्स मिलेंगी। इस कंडीशन में इस मेडिसिन को लेना है, हैवी साइकिल फ्लो या क्लॉट, आपको अगर बहुत सारा ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो भी ले सकते हैं, या क्लोटिंग में हो रहा है तो भी ले सकते हैं। साइकिल लास्ट 6+ डेज और लॉन्गर, अगर 6 दिन से ज्यादा आपका साइकिल है, मतलब आपको पीरियड्स हो रहे तो आप इस मेडिसिन को लेंगे। साइकिल इन 24 डेज और लेस, तो 24 दिन से पहले आ रहा है, 24 दिन पे आ रहा है या 24 दिन से पहले आ रहा है तो भी आप लेंगे। स्पॉटिंग बिटवीन 2 साइकिल्स को लेना कैसे है, तो 2 टेबलेट आपको सुबह के नाश्ते के बाद लेना है और 2 टेबलेट आपको रात के खाने से पहले लेना है। मिनिमम कंज्यूम 90 डेज आपको कंज्यूम करना है, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देख पाएंगे। अब बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पूरी तरह सेफ है, आयुर्वेद है कि नहीं है, ये हमको हार्म तो नहीं करेगा। तो डियर, बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा, 100% आयुर्वेदिक हब से बना हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर सकती है फॉर द हैवी पीरियड्स एंड क्लोटिंग के लिए, या आपका 6 दिन का साइकिल है तो भी आप इसको यूज कर सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, पेन हो रहा है, पीरियड्स के टाइम में आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हैं, तो आप इसको ले सकती हैं। तो ये आज मैंने इस मेडिसिन के बारे में बताया, और इसमें मैं आपको स्क्रीन में मैं लोगों के रिव्यूज भी दे रही हूँ ताकि आप इसको देख पाएं और आप समझ पाए कि ये कितना यूजफुल है। और मैं रिसर्च किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास में आ रहे थे, मैंने कहा कि नहीं मैं इसके ऊपर में एक ऊपर में आप लोगों को अपडेट दूंगी। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, अगर 3 बॉटल आप एक साथ परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 3500 पड़ेगी, 1 बॉटल लेते हैं तो 1600 पड़ेगी, और 2 बॉटल्स लेते हैं तो 2000 रुपये पड़ेंगे, यानी 2600 रुपीज पड़ेगा। तो आप ये 3 बॉटल एक साथ लेंगी तो आपको बेनिफिट है ना, तो आप इसको ले सकती हैं। और ये पूरी तरह से नेचुरल है गाइस, तो इसलिए आपको एकदम भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आज का वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। तो इसी तरह से आज वीरा का मैंने आपको बताया कि वीरा कितना लाभदायक है, कितना फायदेमंद है, और आप इसको यूज कर सकती है। अगर आपके यूज के लिए नहीं है तो आप जिनको भी जरूरत है आपके जान पहचान में, आप उनको ये वीडियो को शेयर कर सकती हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करते हैं, और मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ नई और अच्छी अपडेट लेके आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय।